अरे तुम वो कर रहे हो जो कर मैंने कोई देखने आया है देखने वाला आ रहा है। अरे तुम भागल भागल हो क्या? वो ऐसे पाई है गाथ में समोसा रे एक पतली दर्द है। पूरी वीडियो बना रहा डरो सही में डरो मत YouTube पे देख ली सही में ओम ये नब दो से खाना मीनो मामा व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग मतलब आज के व्लॉग से शादी की रिचुअल्स शुरू हो जाएंगी क्योंकि आज से मतलब आज ही मेरा ब्याह लिखा जाएगा। ब्याह लिखने में ये होता है कि पंडित जी आते हैं घर पे और घर कुनबे के जितने भी बड़े होते हैं सब मतलब छोटी सी पूजा होती है और एक पत्र बनाते हैं जो लेके जाते हैं हम लड़के वालों के घर, मतलब मेरे भाई वगैरह लेके जाएंगे उसको। तो उससे पहले जितने भी कुनबे की भाभी हर हैं ताई हर हैं सारी आऊँगी, जो मेरा दुस्तर का सामान है वो देखेंगी। दुस्तर का सामान बहुत लोग समझते नहीं हैं, तो वो सामान होता है जो शादी के बाद मुझे मतलब कपड़े होते हैं जो मैं पहनती हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी शादी के बाद। तो बहुत लोग इसको ये समझते हैं ये दहेज है, ये दहेज नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो शादी के बाद मैं पहनने वाली हूँ, इनका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया हमसे, वो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। तो कमेंट्स में मतलब पिछली वीडियोस में आप दूसरे का मतलब थोड़ा कम समझ रहे थे, बट इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। चलो आपको भाभियों से मिलवाती हूँ, तब तक बच्चों से मिल लो। Hi. ये अली है, ये रायशा है, और आप पहले भी मिल चुके हो हमसे बहुत बार। यस आ जाओ, बाकी सबसे मिलाते हैं। तैयारी शुरू कर दी तुमने पहले तय। ये सिमरन भाभी हैं, वो सीमा भाभी हैं, सबसे पहले आई है भाई। और प्यारे प्यारे सूट लेकर आ रही है मेरे ताई। तो आज देखेंगे भी और दिखाएंगे भी। मेरा फेवरेट कलर है यो, इस कलर पे मैं नू नहीं कहूँ, तुम तक साड़ी दिखा दो। अच्छा है, हल्के कलर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तेरा काम ऐसा है ना, लाइट कलर थोड़े ज्यादा। हाँ, तो जितने भी शाहबाद गांव वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, सबके घर ये लड्डू आने वाले हैं, बूंद के लड्डू। और ये विकास भैया बंटवा रहे हैं, जो अभी सिमरन भाभी दिखाई थी ना उनके हस्बैंड, इस पे जो नंबर दिया हुआ है ये रुको दिखाती हूँ। ये देखो ये नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाभी को बता सकते हैं। क्योंकि सीट लेडी हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में भाभी को देखोगे आप। ये चेहरा भूलना नहीं। ताई ने सबसे पहले लड्डू खाए, बताओ कैसे बन रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट। अच्छा तैयार हो जाओ। मम्मी जो विशाबाद में ना है वे विशाबाद में शिफ्ट होने की तैयारी कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सबर रखना, सबर का फल मीठा होता है। हाँ। चलो कितने तो ब्याह होने का फायदा, इतने सारे गिफ्ट इतने सारे सूट मिलने लग रहे हैं। यहाँ कैसा लगे, चलो ब्याह होना अच्छा है। एंड ओए स्पेशल गिफ्ट कनिका का पर्स ही कनिका, ये वीआईपी पर्स है यो, एक नंबर, बहुत सुंदर है। फिर मेरे को चंडे में कहते हैं ब्याह ऐसा हो इसी टाइम पे हो, अकबरी इस अच्छे इसी टाइम पे है के। बाय बाय। अली जा रही है घर। वैसे ही शादी में तो शाल की जरूरत पड़े को ना, है ना आंटी? हां आंटी, बंदा नींद में ना आएगी, पूरा इतनी नींद मत खो है। और नींद मत खो आज रात के नहीं जाती हूं अभी, ठीक है? हम तो निकल रहे हैं रात को, तुम मैं भी आने बोलूं दी बालकन रात। बाय बाय, आज लिए लीजिए। क्या क्या करना है, क्या बोलना है, ताई जी नमस्ते, सभी ताई जी को नमस्ते है, नमस्ते है, ठीक है, नमस्ते 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 ताई जी, नमस्ते सबको ताई जी, आपकी भी पूरी है।
अच्छे से ले लिया तो शायद तू क्या मैंने फोकस कर दिया इस जी ने ध्यान ना भी जाऊ कभी जाऊंगा मैं और आंटी समोसे नहीं खा रहे हैं मेरी डाइटिंग है आंटी का पेट का दर्द मतलब मेरे खुशबू जाए ना आँखों मेरा खुशबू तो छिक रहे हैं ना छिक ना रहे मन तो कर रहा है मेरा खाने का पर खाऊं कौन नहीं हम बता देंगे जिम वाला था आ ना खाऊं ताई और खा लेते ना समोसा फिर यू इसका मोर क्यों बना दिया ये तेरी शादी की खुशी के लिए मतलब ताई क्या कर रही हो घमंड रही मूर्ति मेरी तो गणी है ताई है सारी है कर रही हो घमंड रही यार मम्मी तो दिखती है ना मम्मी बैठी की तरह अच्छा ओके बाय बाय दाई जी शाम ना आओगे क्या दोबारा नहीं शाम ना किस लिए वो तेरे ताऊ और आएंगे अच्छा ठीक है की ड्यूटी है बेटा की ड्यूटी है ये माय ड्यूटी खत्म और पता भी नहीं मेरा था वो तेरे ताऊ ने कच्चा मिल गया आ जा ये परी है भाई हां 30 तारीख 30 तारीख हां हां अच्छा ओके अच्छा ओके बाय बाय हाँ ये तुम कि चल ले ये दीक्षु को सीधा दे जाओ सीधा दे जाओ सही है बाय गाइस देखो घर पे इतने सारे गेस्ट हैं फिर भी मेरे को अभी वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है सिर्फ आप सबके लिए मैं नहीं चाहती आप लोगों को वेट करना पड़े एक मिनट भी क्योंकि 6 बजने वाले हैं आप व्लॉग देखोगे मेरा प्यारा सा तो व्लॉग को देख के लाइक शेयर कमेंट कर देना ज़रूर और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरा ब्याह लिखा जाएगा गाइस सारे ताऊजी वगैरह आ चुके हैं और धीरे धीरे आने वाले भी हैं मतलब एक दो तो बचे हुए हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है ताई के हाथ में परात है और भाभी के हाथ में कप है खाली चाय पानी सबका हो गया है अब जो मेन काम है ना इसमें क्या करोगे ताई आप परात में अच्छा पूजा करेगा ओके तो इसमें पूजा होगी हमारी थोड़ी देर में ताई उसी की तैयारी कर रही है और हम चाय पानी की जो आ रहे हैं उनके लिए ये पर्दा की नड़ा दिया तो
ओम मैं पवित्र पवित्रो आसवस्तम गति स्मृतोनि आक्षम पुण्य आक्षम पुनातो अस्तो विशालमह आसमनम कुर्यात् अहम् आसन राइट ओम केशवा नमः उन्नाद नमः माधवा नमः बीजो ओम विश्वामी देव सवित दुर्गा निपरा सुवाय भद्रम तन्निया ओम ओम श्री महानाधिपते नमः ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः ओम स्वस्ति तर्कम कुर्यात् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः सतनचो अरिष्टलेमि पूरी वीडियो बना रहा डरो सही में डरो मत यूट्यूब पे देख लिए सही में ओम ये न बंदो ले आना मीनो मामा तो नहीं देख रहे हूँ मैं केंद्र में से मार ब्रह्मा में से अभिष्ण में से वहाँ इसको टाइम में से हम करें वहाँ छोड़ो के पंडित जी का नाम भी बोल देना शुक्लामदं देवम् शशीवनं चन्द्रम् प्रसमदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये यद्दशफले ताई जी बाय बाय दोबारा से तो गाइस ब्याह लिखा गया ईव असली काम करना शुरू करेंगे हम सारे गेस्ट चले गए हैं अब घर घर के बाकी हैं जो मेरा दुस्तर है उसको पैक किया जा रहा है और कल ही हम भिजवा रहे हैं उसके साथ जो कार्ड सा मेरे हाथ में देखा था आपने जिसमें पूरी इन्फो लिख रखी थी उसको ब्याह देना बोलते हैं तो उसी के साथ मेरा सामान भी भेज रहे हैं वही हम पैक कर रहे हैं तो बस बहुत सारा काम है असली काम अब शुरू होगा अभी तक तो सिर्फ दिखाना था अब पैक करना है सबसे टफ जॉब है ये लास्ट पैकिंग है बस ये दो सूट और इसमें जाएंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा हमारा काम बंद हो जाएगा